हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, मेरे मन और वाणी दोनों एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों की शांति हो। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र, सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति, ओज, सब पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त हो। सभी के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा परमेश्वर प्रकाशित रहें, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीव्र तापों की निवृत्ति हो। हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें, हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ और सुपुष्ट हो। दुर्जन सज्जन बन जाएं, सज्जन शांति लाभ करें, शांत पुरुष सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएं। हे परमात्मा, मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, तम से प्रकाश की ओर प्रेरित कीजिए और मृत्यु से अमृत की ओर भेजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, आप तेज हैं, मुझ में तेज का आधान कीजिए। आप बल हैं, मुझ में बल का आधान कीजिए। आप ओज हैं, मुझ में ओज का आधान कीजिए। हे जगत के कारक सत्स्वरूप परमात्मा, तुझे नमस्कार है। हे सर्व लोगों के आश्रय चित्त स्वरूप, तुझे नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, तुझे नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, तुझे नमस्कार है। परमात्मा हम सब के अंदर है, जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमदेव अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहे हैं, जो औषधियों में है, जो वनस्पतियों में है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिनका अनेक प्रकार से पहले वर्णन आया है, उन परमदेव परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। उस परमात्मा की अनंत शक्ति के एक क्षुद्रतम अंश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्चर्यमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। वो ही परब्रह्म है, वो ही तप स्वरूप है, वो ही परम तत्व है और वो ही तारक ब्रह्म है। अपने लिए न मैं राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग की इच्छा करता हूं, अपूर्ण मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। मैं अपने हृदय में स्फुरित होने वाले आत्म तत्व का स्मरण करता हूं, जो आत्मा सच्चिदानंद सत्ता ज्ञान और सुखमय है, जो परमहंसों की अंतिम गति है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्त रूप तीन जागतिक अवस्थाओं से परे, जो जागृत स्वप्न और निद्रा तीनों अवस्थाओं को नित्य जानता है, वह शुद्ध ब्रह्म मैं ही हूं। पंच महाभूतों से बनी हुई यह देह मैं कदापि नहीं हूं। मैं उस सनातन पद को नमन करता हूं, जो अंधकार से परे है, सूर्य के समान तेजोमय है, पूर्ण पुरुषोत्तम नाम से पहचाना जाता है और जिसके अनंत स्वरूप के भीतर यह सारा जगत उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह रस्सी में सांप। हाथ से या पैर से, वाणी से या शरीर से, कान से या आंख से, मैं जो भी अपराध करूं, वह कर्म से उत्पन्न हो या केवल मानसिक हो, जो किया जा चुका है अथवा आगे किया जाने वाला है, हे करुणा सागर कल्याणकारी प्रभु, उन सब को क्षमा कर दो। मेरे हृदय में और जीवन में तुम्हारा ही जय जयकार हो। हे सूर्यदेव, आप सर्वात्मा हैं। आप प्रकाशमान भानुदेव को बार बार नमस्कार है। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है।
आप राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही अरिहंत हो, आप ही अल्लाह हो, आप ही वाहेगुरु हो, आप ही जीसस हो। वह सत्य पदार्थ एक है, विद्वान उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। हम उस परम शक्ति के आगे नतमस्तक हैं। परम शक्ति हमारा पालन पोषण करती है। सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर हम बल प्राप्त कर रहे हैं। हे परम पिता परमात्मा, हम तुझसे तेरी प्रसन्नता मांगते हैं। हम तुझसे तेरी प्रसन्नता की प्रार्थना करते हैं। हम तेरी प्रसन्नता की याचना करते हैं। तू हमसे प्रसन्न रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हे वसु, सबको बसाने वाले, सारे संसार को आच्छादित करने वाले, सबसे महान तुम ही हमारे पिता हो, पालक हो, रक्षक हो। हे शतक्रतु, सैकड़ों सहस्त्रों प्रकार के कार्यों को करने वाले विविध ब्रह्मांड के रचयिता प्रभु, तुम ही हमारी माता हो। तुम जैसे सर्वतो महान माता पिता को पाकर तुमसे ही तुम्हारे उस सुख की, उस आनंद की कामना करते हैं, याचना करते हैं जो तुम्हारे में है, जिससे तुम आनंद स्वरूप हो। वही नित्यानंद हमें भी प्रदान कराओ। हमें स्वस्ति, नित्य रहने वाले अखंड कल्याण के लिए समर्थ करो। हे प्रभु, जो कुछ भी संसार में भद्र है, हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसे उत्तम श्रेष्ठ गुणों व पदार्थों को प्राप्त कराइए। हे मार्गदर्शक नेता, आप हमें धन संपत्ति आत्मिक कल्याण के लिए अच्छे मार्ग से, शुभ मार्ग से ले चलिए। हम आपकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रार्थना करते हैं। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब कल्याण के भागी हों, कोई भी दुखी न रहे। सब मन कामनाएं, चाहे वे लौकिक हों या पारलौकिक, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की भक्ति, प्रभु के नाम स्मरण और उसके यथार्थ अर्थों की भावना से पूर्ण होती है। हमारे शरीर सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो, जिससे हम भगवान का स्तवन करते रहें। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के काम में आ सके। हे सर्वशक्तिमान, सबके प्राण स्वरूप वायुमय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारूंगा। मैं ऋतु नाम से भी आपको पुकारूंगा, क्योंकि सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है, उस नियम रूप ऋतु के आप ही अधिष्ठाता हैं। मैं आपको सत्य के नाम से पुकारा करूंगा, क्योंकि सत्य के अधिष्ठात्र देवता आप ही हैं। वे सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की और सत्य विद्या को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरण स्वरूप संसार चक्र से मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मेरे द्वारा किए हुए समस्त ऋणों को दूर कीजिए। ऐसा कीजिए कि मैं दूसरों की कमाई न खाऊं, अपने परिश्रम से कमा कर खाऊं। मेरे जीवन में अभी बहुत से उषाकाल आने वाले हैं, अतः मुझे ऐसा बनाइए कि मैं अपने पुरुषार्थ से जीवन यापन करूं। अपने गृह कुटुंब में सुख से रहते हुए मेरा उषाकाल, मध्यकाल और सायंकाल सुखदायी एवं स्फूर्तिदायक हो। मेरा शरीर शक्ति से संपन्न हो जाए, मेरा आत्मबल बढ़ जाए, मेरे नेत्र, श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान सब पूर्ण स्वस्थ रहकर शक्ति प्रदान करें। यह आकाश और यह पृथ्वी अनंत गुना बड़ी हो जाए तो भी उस ईश्वर की महिमा को पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकती। कभी पुरुष के रूप में, कभी देवों के रूप में, कभी विराट रूप में, कभी विश्वकर्मा के रूप में, तो कभी विधाता के रूप में। उसके नाम और रूपों का अंत नहीं है। वही सूर्य के रूप में सदा प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है। जो सूर्य की ज्योति है, उससे ब्रह्म की ज्योति का कुछ आभास प्राप्त हो रहा है। विश्व में जितने नर नारी, पशु पक्षी, कीट पतंग, वन वनस्पति, जितने भी प्राणधारी चेतन पदार्थ हैं, वे सब परमात्मा की शक्ति से ही जीवित हैं। भूमि, अंतरिक्ष, सूर्य, अग्नि, वायु, तारे, दिशाएं, काल, सूर्य, ये सब उस ईश्वर के ही अंश हैं। उस परब्रह्म परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। पूर्ण से पूर्ण उद्गत होता है,
पूर्ण पूर्ण द्वारा सृजा जाता है, वो ईश्वर सर्वव्यापी है, ओम अल्लाह लॉर्ड गॉड खुदा इंद्र अग्नि शिव राम, किसी भी नाम से हम उसे याद करें, हमारा स्वर उसके दिशा रूपी कानों में पड़ ही जाएगा। यदि इस हृदय से ध्वनि निकली तो वह सुनी जाएगी और प्रभु निश्चित रूप से अपनी रक्षा शक्तियों के साथ भक्त की रक्षा करेंगे।